हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th से हिंदी पद्य का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जो है हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय और इनकी एक कृति के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पथ की पहचान। तो आइए शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के प्रमुख कवि और लेखक थे। हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. Yeats की कविताओं पर शोध कर PhD पूरी की। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टीवी के कारण मृत्यु हो गई और 5 साल के बाद 1941 में बच्चन ने एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। इनके 2 पुत्र हुए, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। हिंदी साहित्य की आराधना करते हुए यह विभूति 18 जनवरी सन 2003 को पंचतत्व में विलीन हो गई। बच्चन जी अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। कुछ समय तक आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। सन 1955 में ये विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ हुए। सन 1966 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। इनकी भाषा शैली जो है वो सरस सरल खड़ी बोली है। श्रृंगार तथा करुण रस की प्रमुखता है। इन्होंने मुक्तक और भावात्मक गीति शैली में अपनी रचनाओं का सृजन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिणी, मिल नियामिनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आत्मकथा में इन्होंने लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, प्रवास की डायरी। बच्चन जी वास्तव में व्यक्तिवादी कवि रहे। बंगाल का काल तथा इसी प्रकार की अन्य और रचनाओं में इन्होंने अपने जीवन के बाहर विस्तृत जनजीवन पर भी दृष्टि डालने का प्रयत्न किया है। इन रचनाओं में कुछ नवीन विषय भी इन्होंने उठाए, जो वर्तमान जगत से संबंधित थे। अब हम हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना पथ की पहचान का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने बताया है कि हमें कोई भी कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। लक्ष्य चुन लेने के बाद उस काम की कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इनकी एक फेमस कविता है पथ की पहचान। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों के निशाने। कवि यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी होती है, जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं छापी गई है, नहीं लिखी होती है, वह तो हमें स्वयं ही बनानी पड़ती है। दूसरे लोगों के कथन के अनुसार भी हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं और इसका निर्धारण हमें स्वयं ही करना पड़ता है। इस संसार में अनेक लोग पैदा हुए और मर गए, उन सबकी गणना नहीं की जा सकती है। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों के निशाने। कहते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग पैदा हुए
और मर गए उनकी सबकी गणना नहीं की जा सकती है, परंतु कुछ ऐसे कर्मवीर भी यहाँ जन्मे हैं जिनके पद चिन्ह मौन भाषा में अनेक महान कार्यों का लेखा जोखा करते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। यह निशानी मूक होकर कहते हैं कि इनके पदचिन्ह मौन भाषा में उनके महान कार्यों का लेखा जोखा करते हैं। उन सभी कर्मठ महापुरुषों ने काम करने से पहले खूब सोच विचार किया होगा और फिर जी जान से अपने कार्य में जुट गए होंगे। तो कहते हैं अतः हे राहगीर उनसे प्रेरणा ग्रहण कर अपना जो मार्ग है वो सुनिश्चित कर ले। पंथ मतलब रास्ता या मार्ग अपना सुनिश्चित कर ले या निश्चित कर ले और तब उस पर चलना शुरू करे। तो कहते हैं हे पथिक, पथ पर चलने से पहले, बट वही कौन होता है? राहगीर। तो पथ क्या है? रास्ता। तो कवि कह रहा है कि हे राहगीर, पथ पर चलने के पहले उस रास्ते की पहचान कर ले। अगला है, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। कवि कहता है कि विवेकपूर्ण कार्य का चुनाव करने के बाद उसकी अच्छाई बुराई सोचना जो है वो बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि उस पद को छोड़कर दूसरे पर चलना भी संभव नहीं है। अब इस पद को छोड़कर दूसरे पद पर चलना भी संभव नहीं है। कठिनाइयाँ हर मार्ग में होती हैं, इसलिए हे पंथी, हे राही, अपने निश्चित कार्य को श्रेष्ठ मानकर उस राह पर अपने निश्चित कार्य को श्रेष्ठ मान ले, तू उसे ही अच्छा मान ले जो कार्य तुमने चुना है, समझकर उसे तुरंत शुरू कर दे। कार्य करते समय तुझे अनुभूति, आनंद की अनुभूति जरूर होगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। तू ये मत सोच कि कोई कार्य करने से पहले उसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं होती, ये सभी के साथ होती हैं। तो इसलिए जो है तू अपने निश्चित कार्य को श्रेष्ठ समझकर उसे तुरंत करना शुरू कर दे। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कवि क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कठिनाइयां तुझे ही उठानी पड़ रही। वास्तविकता क्या है कि जीवन में जिसे भी सफलता मिली, हर सफल पंथी, हर सफल राही, जिसको भी सफलता मिली है वह अपने कार्य को श्रेष्ठ समझता रहा है। इसलिए तुम भी अपने कार्य को श्रेष्ठ समझ लो और सोच विचार करना है तो कार्य का चुनाव करने से पहले कर लिया करो। इसलिए पूर्व चलने के पहले हे पथिक, हे राही, अपने रास्ते की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गोहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कवि कहता है कि हे जीवन पथ के मुसाफिर, हे जीवन पथ के मुसाफिर, ये नहीं बताया जा सकता है कि तेरे मार्ग में किस स्थान पर सरित नदी, गिर पर्वत और गुफाएं तुझे मिलेंगे, तेरे मार्ग में कब कठिनाइयां और बाधाएं आएंगी, ये नहीं कहा जा सकता है। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि किस जगह पर, कहना निश्चित है कि मार्ग में तुझे कब फूल मिलेंगे, बाग मिलेंगे और कहाँ पर जो है आप सुख सुविधाएं मिलेंगी, कहाँ पर सुंदर वन मिलेंगे, ये भी कहना जो है अनिश्चित लगता है। ये भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि कब तेरी जीवन यात्रा खत्म होगी, ये भी अनिश्चित है कि कब तेरी जीवन यात्रा खत्म होगी और
तेरी जीवन यात्रा समाप्त होगी, यानी ये भी कहना मुश्किल है कि कब तेरी मृत्यु होगी। और कवि आगे कहता है कि ये बात भी अनिश्चित है कि मार्ग में ये बात भी अनिश्चित है, सुमन मतलब फूल, ये बात भी निश्चित नहीं है कि मार्ग में तुझे कब फूल मिलेंगे और कब कंटकों के शर मिलेंगे और कब कांटे तुझे घायल कर देंगे, अर्थात तेरे जीवन में कब सुख प्राप्त होगा और कब दुख, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। कौन सहसा छूट जाएंगे, कौन मिलेंगे कौन सहसा, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न, ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि आगे कहता है कि यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि तेरे जीवन मार्ग में कौन परिचित मिलेंगे और कौन प्रियजन अचानक तुझे छोड़कर चले जाएंगे। हे पथिक तू अपने मन में प्रण कर ले, ऐसी आन कर ले, अपने मन में प्रण कर ले कि जीवन की कठिनाइयों की परवाह न करके तुझे आगे बढ़ते जाना है। इसलिए चलने से पहले हे पथिक, हे राहगीर, अपने राह की पहचान कर ले, अपने रास्ते की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। हे जीवन पथ के यात्री, तू पथ पर चलने से पूर्व जीवन में आने वाले सुख दुख को भली भांति जानकर अपने मार्ग की पहचान कर ले। हे पथिक, तुमसे ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि तुम अपने मन में स्वप्न अर्थात मधुर कल्पनाओं को ना लाओ। सब लोगों की अपनी अपनी जो है कल्पनाएं होती हैं, अपनी अपनी उम्र और अपने अपने समय में इन्हें सब लोग देखते हैं। अगला है, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। और कवि क्या कह रहा है यहाँ पर कि निलय क्या होता है, घर या घोंसला जिसको कहते हैं, और ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य, नयन मतलब आँख। और कवि क्या कह रहा है कि हे पथिक, तू प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो सकता है, और तू कर यत्न भी तो फिर मिल नहीं सकती सफलता। कह रहा है कि हे पथिक, तू प्रयत्न करने पर भी इसमें सफल नहीं हो सकता कि तेरी कल्पनाएं मन में ना उठे। ये स्वप्न, ये कल्पनाएं व्यर्थ नहीं होती हैं, इनका भी अपना लक्ष्य होता है। ये स्वप्न जब आँखों में आते हैं तब इनका अपना एक ध्येय होता है। अगला है, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। कवि आगे कहता है कि कारण ये है कि स्वप्न व कल्पनाएं जीवन में बहुत कम है, उनके सामने यथार्थ सत्य जो है वो अनगिनत है। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य कितने हैं, 200 हैं। कहते हैं कि कल्पनाएं जीवन में बहुत कम है लेकिन यथार्थ जो सत्य है वो अनगिनत है। सत्य का मुकाबला कल्पनाओं से मत करो, संसार के रास्ते में यदि स्वप्न दो हैं तो सत्य 200, अर्थात कल्पनाएं बहुत हैं, यथार्थ बहुत अधिक है। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि तुम कल्पनाओं पर ही मत रीझते रहो, कल्पनाओं पर ही मत खुश हो, इनका भी निर्धारण कर लो। हे पथिक, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर ले। अगला है, स्वप्न आता स्वर्ग का, द्रग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। आगे कवि कहता है कि हे पथिक, भावुकता के आवेश में आकर किसी मार्ग पर अग्रसर होने से पहले हम स्वर्ग का सपना देखने लगते हैं। प्रसन्नता के कारण जो है हमारी आंखें जो हैं वो चमक जाती हैं और इस समय कल्पना
लोक की उड़ान भरने के लिए हमारे पैरों में पंख, पग मतलब पैरों में पंख भी लग जाते हैं, छाती उन्मुक्त होकर उत्साह से भर जाती है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। किंतु ठीक उसी प्रकार कहते हैं हम खुशी से जा रहे हैं रास्ते में, लेकिन उस ठीक उसी प्रकार राह का एक मामूली सा कांटा पांव में चुभ जाता है और खून की दो बूंदों के बहने से जो है सारी कल्पना जो है वो डूब जाती है, अर्थात मार्ग में मामूली अवरोध उत्पन्न हो जाने से सारा मज़ा जो है वो बेकार हो जाता है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। उसके बाद कहते हैं कि अगर रास्ते का जो एक कांटा है तो वो सारी कल्पनाओं को खराब कर देता है, अतः पाँव के कांटे चुभकर ये शिक्षा देते हैं कि भले ही तुम्हारी आँखों में स्वर्ण के सजीले सपने क्यों ना हों, स्वर्ग के सजीले सपने क्यों ना हों, पाँव पृथ्वी पर टिके हों, लेकिन जो तुम्हारे पाँव हों वो पृथ्वी पर टिके होने चाहिए, अर्थात मस्तिष्क में भले ही कल्पना की ऊंची उड़ान हो किंतु व्यवहारिक जगत की उपयोगिता कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, हमें पंथ के चुभे कांटों की इस शिक्षा का सदैव सम्मान करना चाहिए। कंटकों मतलब कांटे, रास्ते में जो कांटा चुभता है तो उस शिक्षा का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, किसी मार्ग पर अग्रसर होने से पहले उस मार्ग की पूरी जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए।